हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी के ऑडिटर का जो अंक एकक्षक का जो मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 2 से 4 नवंबर 2022 में डेट जो दिया गया था, ठीक है, उसका शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। और इस शेड्यूल में ये बताया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कैसे होगा और कब होगा, ठीक है। तो ये जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, पर 2 पालियों में प्रथम पाली और सेकेंड पाली, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो आपको 10 बजे पूर्वाहन से 1 बजे अपराहन तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट क्या होगा, 10 बजे पूर्वाहन से 1 बजे अपराहन तक होगी। और द्वितीय शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 1:30 बजे अपराहन से 4:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे अपराहन तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। और आपको दोस्तों पता है, जैसे इसमें 2 नवंबर को क्या होगा, सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसके लिए आपको 3 आवर टाइम दिए जाएंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये सामान्य हिंदी के होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में आपको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 होगा, पेपर 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 नवंबर 2022 को गुरुवार को सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र होगा कब, आपको 3 नवंबर 2022 ईस्वी को। और सेकेंड शिफ्ट में उसमें कुछ नहीं है, 3 को केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। फिर आते हैं हम, देखते हैं 4 को, ठीक है। तो 4 को क्या है, तो शुक्रवार का दिन है 4 नवंबर को। और फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है, सेकेंड में ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर आपको पता ही है कि आपने जो सिलेक्ट किया होगा वही आपका ऑप्शनल पेपर है। और सबसे बड़ी इसमें अब खुशी की बात यह है कि जैसे बीपीएससी के पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि अब ऑप्शनल पेपर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में नोट में एक दे दिया गया है, ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में किया जा चुका है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स में भाड़ा भी था कि हाँ हम ये ऑप्शनल पेपर लेंगे। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा में चयनित ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके लिए एडिट करने हेतु दिनांक 22/9/2022 से 30/9/2022 तक लिंक उपलब्ध रहेगा। कब तक, 22 सितंबर से आप लोग 30 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, तो आप लोग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज करना होगा ये भी हम आपको बता देंगे जल्द ही वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, उम्मीदवार को जो मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो उम्मीदवार को बाई पोस्ट नहीं आएगा, वो तो सभी को पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे पहले भी हमने ऑडिटर के लिए सभी चीज़ प्रोवाइड किया था, टेस्ट सीरीज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सब चीज़ का बहुत आप लोगों ने बहुत हमको प्यार किया, ठीक है। वैसे ही आगे भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।